जो न्यू कार परचेज करना चाहते हैं और वो एक सेडान के लिए देख रहे हैं, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि इसमें 8 इंच की स्क्रीन है पे, तो ये अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी भी आपको हाईवे पे देगा। लेजर वेल्डिंग आपको ऐसी देखने को मिलती है जो आपको हर किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। इसका है आपको एक डैश कैम जो कि ब्लॉन्ग पॉइंट की तरफ से है और काफी बढ़िया लगता है, जिसमें 2651 mm की इसकी व्हील बेस है जो पर्सनली फेवरेट लगती है एज कम्पेयर टू वर्टस या फिर वरना। स्लीक और एलिगेंट डिजाइन लैंग्वेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में द ऑटो स्टूडियो पे। तो इस गाड़ी को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, इंडिया की एक वन ऑफ द सेफेस्ट सेडान में से एक है। स्कोडा की स्लाविया या फोक्सवैगन की वर्टस भी सेम ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, MQB AOIN प्लेटफॉर्म पे। और ये जो वेरियंट अपने सामने खड़ा हुआ है, ये फेस्टिव वेरियंट एम्बिशन प्लस खड़ा हुआ है। अगर स्कोडा स्लाविया की और बात करी जाए तो 10,90,000 रुपये से शुरू होकर के 19,12,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। दो इंजन ऑप्शन ऑफर किए आते हैं स्कोडा के द्वारा, एक है 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर इंजन और एक है 1.5 ईवो TSI इंजन जो कि 4 सिलेंडर है। 3 आपको ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, एक मैनुअल ट्रांसमिशन, एक है टॉर्क कन्वर्टर जो 1 लीटर TSI में आता है और एक है 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो 1.5 में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, क्यों ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए ओवर द वर्टस या फिर होंडा सिटी या फिर आपका जो है ह्यूंडई की वरना। तो पहली बात तो ये कि एक तो आपने अगर स्कोडा की ऑक्टाविया या सुपर्ब देखी होगी तो सेम टू सेम डिजाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और 5 स्टार रेटिंग कार है तो और भी क्या कहने। आपको लेजर वेल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि किसी और गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगी फोक्सवैगन के अलावा। यहाँ पर आपको जो हेड यूनिट है वो भी काफ़ी ऐसी देखने को मिलती है जो स्लीक सी है एकदम तरीके से। अगर ये बेस वेरिएंट ना होता तो इसमें प्रोजेक्टर LED सेटअप देखने को मिलता है, ये रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन सेटअप देखने को मिलने वाला है। नीचे आपको DRL देखने को मिल जाती है, यहाँ पर फॉक लैंप, और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल जो है स्कोडा की ग्रिल देखने को मिलने वाली है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर या फ्रंट में कैमरा नहीं देखने को मिलता है, ऐसा जो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है 3D का स्कोडा का लोगो जो कि कहता है सिंपली क्लेवर। और तो और अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करी जाए तो मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ जल्दी से खोल करके, यहाँ से इंजन देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और ये है 1 लीटर का TSI इंजन जो 3 सिलेंडर इंजन है और ये प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क। वहीं 1.5 ईवो TSI प्रोड्यूस करता है 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क। 150 PS की पावर 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने के बावजूद उसमें एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी आती है जिसमें 2 सिलेंडर आपको डीएक्टिवेट कर देगा 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पे आप अगर क्रूज कर रहे हैं, तो उससे बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी मिल जाती है। हालांकि ये फ्यूल इकोनॉमी आपको भी इसमें में भी देखने को मिल जाएगी। चलिए साइड से बात कर लें तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलता, सनरूफ आपको रेगुलर सा देखने को मिलने वाला है। इधर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, 2651 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 179 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और जो 2651 आपको व्हील बेस देखने को मिलने वाला है। आपको यहाँ पर 16 इंच के अच्छे से अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं जो ऑल अक्रॉस द स्कोडा की गाड़ी कभी ना कभी आपको देखने को मिले होंगे। तो 205/55 R16 का आपको रबर साइज देखने को मिलने वाला है, स्कोडा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नॉर्मल वाइपर्स देखने को मिल जाता है, ऑटो रेन सेंसिंग आपको इसमें इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, ना सनरूफ। शार्क फिन एंटेना ब्लैक एंड आउट है, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। पीछे से बात करें तो जो एलिगेंसी है ना वो देखने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं स्कोडा की ऑक्टाविया की याद दिला देती है। ये है भाई टेल लैम्प जो कि LED बेस्ड है, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। रिवर्स लाइट और इंडिकेटर जो है वो हेलोजन मिलेंगे। 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है, 521 लीटर का आपको बूस्ट स्पेस देखने को मिल जाता है। पीछे स्टॉप लैम्प और ये है आपका डिफॉगर रियर। अगर आपको पीछे का स्पेस वगैरह देखना है और मतलब डिटेल में, तो आप जाकर के चैनल पे वीडियो लाइव है, आप देख सकते हैं 3 हेड एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बीच में आपको AC के वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, LED लाइट्स आपको LED बेस मिल जाएंगी, ऐसा कुछ आपको देखने को डोर मिलता है। तो इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं तो डोर की क्वालिटी इतनी हैवी है कि भाई एक बार में खुलता भी नहीं है डोर। 4 विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलता है। यहाँ पर देखें तो मल्टी फंक्शन आपको स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है लेदर रैप, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वेरियंट में जो है ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि एनालॉग है, छोटी सी MID के साथ। 8 इंच की स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। टच सेंसिटिव आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, और यहाँ तो आपको Type-C के 2 पोर्ट्स, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और लॉक अनलॉक का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और दे दिया गया है, वो इसकी वजह से कि यहाँ पर आपको डैश कैम भी मिल जाता है फेस्टिव सीजन वाली एम्बिशन प्लस में।
हैंड ब्रेक मैनुअल है और ये एडजस्टेबल आपको हैंडरेस्ट मिल जाएगा, ये देख सकते हैं डीप है, और यहाँ पर फेविक अपहोल्स्ट्री, और यहाँ पर आपको कूल ग्लोव बॉक्स देखने मिलने वाला है, और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये काफी बढ़िया लगता है देखने में। वैनिटी मिरर आपको देखने में नहीं मिलता है, यहाँ पर दो रीडिंग लाइट्स, और यहाँ पर आपको दे दिया गया गॉगल होल्डर, और यहाँ पर वैनिटी मिरर आपको देखने मिल जाता है। तो भाई ये था गाड़ी का पूरा इंटीरियर। अगर आपको डिटेल रिव्यू इस गाड़ी का देखना है तो आप जाकर चैनल पर पड़ा हुआ सब्सक्राइब कर लीजिए द ऑटो स्टूडियो को, और जाकर के आप देख सकते हैं इस गाड़ी का पूरा डिटेल रिव्यू। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो, बाय बाय, टेक केयर।